यही चीज है। उसकी माँ है अभी बूढ़ी। नहीं लीजिए 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 फोन अपने हाथ में लीजिए। आप भी कह रही है रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ देख लीजिए। हे भगवान आपको भरोसा नहीं है। प्रकृति क्या है उनके पिताजी का जो उमेश चंद्र यादव हैं उनका क्या जगह जमीन है कि सोच रही हो कि हम इसे शादी कर लेंगे या डेढ़ बीघा जमीन का पास छोड़ के डेढ़ बीघा जमीन है उसके पास में। अच्छा सब लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना जल्दी शादी कर लीजिए इस तरह से मतलब आँख से आंसू भी नहीं सूखा हुआ था अभी और अभी शादी कर ली अभी तो दुख का माहौल था सच में मतलब जो हमको लगता है लड़की भी षड्यंत्र रची थी हाँ छोटू का हाँ की जो है मरवा दिया बचने के लिए वहाँ पर ये अपना बच जाए बचने के लिए गई थी मेरा भी यही हम तो नहीं अच्छा छोटू का जो वो लड़की जो शादी के लिए सही नहीं की क्या सही तो की है वो लड़की जाती का यही बात ना सही तो हुआ लेकिन रुक के करना चाहिए ये सब हाँ ये चीज थोड़ा कुछ साल रुक जाना चाहिए ना इस माँ बाप जान दिए तो शादी कैसे करेंगे ना हाँ करेंगे बिल्कुल भाई शादी करेंगे तो लड़के पास तो रहना चाहिए नहीं यहाँ तक देखिए यहाँ तक बात ठीक है लेकिन अब अभी अभी क्या है उसको भी अस्थिर रहना चाहिए अस्थिर रहना चाहिए कोई ताना तो मारबे करेंगे ना गांव में है तो ताना क्यों ना कौन नहीं मारेगा बिल्कुल बिल्कुल जो काम किया है वो सब मारे तो मतलब वो लड़की जो शादी के लिए सही नहीं की क्या सही तो की है वो लड़की जाती का यही बात ना सही तो हुआ लेकिन रुक के करना चाहिए ये सब हाँ ये चीज थोड़ा कुछ साल रुक जाना चाहिए ना रुकना चाहिए एक साल की छह महीना यानी सात महीना आठ महीना बात करना कुछ समय के बाद समझा रहे थे कि सात महीना आठ महीना बात करना चाहिए अभी नहीं बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आप आरती की क्या लगती है मामी किसकी भाभी है छोटू का ममेरी भाभी अच्छा छोटू की ममेरी भाभी है ना छोटू का ये लोग क्या सच में मतलब जो है हमको लगता है लड़की भी षड्यंत्र रची थी हाँ छोटू का हाँ की जो है मरवा दिया बचने के लिए वहाँ पर ये अपना बच जाए बचने के लिए गई थी मेरा भी यही हम तो नहीं अच्छा छोटू का जो जैसे आप हैं आप तो छोटू की तरफ से हैं छोटू के परिवार की तरफ से तो छोटू का क्या अपना जगह जमीन प्रॉपर्टी क्या है उनके पिताजी का जो उमेश चंद्र यादव हैं उनका क्या जगह जमीन है कि सोच रही हो कि हम इसे शादी कर लेंगे या डेढ़ बीघा जमीन का पास छोड़ के डेढ़ बीघा जमीन है उसके पास में। अच्छा सब लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना जल्दी शादी कर लीजिए इस तरह से मतलब आँख से आंसू भी नहीं सूखा हुआ था अभी और अभी शादी कर ली अभी तो दुख का माहौल था इसमें जो है ना लड़की लगता है ऐसे की है तेजगरी जो कि मेरा परिवार बच जाए इसीलिए उसको अपन यहाँ लिया अपना उसका परिवार माय बाप यही चीज उसकी माँ है अभी बूढ़ी नहीं लीजिए 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 फोन अपने हाथ में लीजिए आप भी कह रही है रिकॉर्डिंग चालू है देख लीजिए हे भगवान आपको भरोसा नहीं है नहीं भरोसा नहीं जानते हैं समाज में जो अब तुम हमको यहाँ रहना है आपका शक्ल ऐसे लगता है कि आरती जैसा है कसम से थोड़ा बहुत मिल रहा है ये भगवान मेरे जैसा थोड़ी ना है पूरा गोरी है ना हम तो नहीं नहीं आप ज्यादा गोरी हैं आप ज्यादा गोरी हैं अच्छी तो ये कहते जब ये आते थे छोटू यहाँ पर तो क्या कहते हैं छोटू उनके घर भी जाते थे क्या नहीं जाते हाँ ये तो वो दिन आने नहीं दिए जैसा मर ले उतना नहीं दिए ये छोटू की मामी है क्या नहीं बगल वाली मामी है अच्छा थी वहाँ उस दिन थी हम नहीं थे अच्छा आपको क्या लगता है सही की कि गलत की वो कौन वही मतलब जो आरती शादी जो कर ली इतना जल्दी वो तो सही है करना था हाँ करना तो था ही जब केस से सब कुछ सजा तो हो जाता है वो सोची कि घर का लोग बदल जाए इसीलिए सोच करके मना करके कर लिया मेरा अनुमान है लेकिन हम नहीं गए वहाँ
वहाँ अभी तक नहीं गए हैं। अभी नहीं शादी में नहीं गई थी आप? नहीं। मामी है फिर भी? मामी है तो क्या, हम उस मामला हम नहीं जाते हैं। आखिर मेरा बेटा हो मेरा बेटी हो उस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। जो की है तो मेरा बेटा मेरा बेटी भी बिगड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बात है। इसीलिए हम लोग नहीं जाते। मामी भी देवर उनके है। मामी की जो है क्या कहते हैं रिलेशन की ही है आप ना? कौन? मामिया मामी की भाभी है ना? आप छोटू के भाभी है ना? नहीं ममेरी भाभी। ममेरी भाभी है, छोटी सगी भाभी नहीं है। ममेरी ममेरी तो फिर देवर का बुढ़ा है ना। आई जाइए एक बार बधाई उधाई दे दीजिए कम से कम जाकर। हाँ उनको सब नहीं चाहिए। काहे? वीडियो बना लीजिएगा वायरल हो जाएगा। हाँ उनके बाद वीडियो बना लीजिए। मेरा एक तो हुआ कि तो वायरल हो गया था, हमने इसीलिए हम नहीं जाते हैं मीडिया के सामने। हाँ कौन वायरल हो गया था? हाँ हम भी गए थे और छोटू का आरती का भाभी बना दिए मेरा। अच्छा वहाँ मोबाइल आरती का भाभी बना दिए? बना दिया तो बोले खूब बोले मीडिया वाला सबको तब हटाया। अच्छा तो आरती का भाभी बना दिया? छोटू के भाभी से आरती का भाभी बना दिया भाई साहब। इतना वायरल कर दिए, वायरल कर दिए थे। कौन मीडिया था? मीडिया फेक न्यूज पर जोर दिए थे। अच्छा अच्छा फेक वाले थे। तो मतलब आप कहते हैं कि क्या बात की थी उससे, क्या बोली? मीडिया वाली से बोले ऐसे आप जैसे लोग नहीं आते हैं, उसको बोले कि उसको बंद कर दीजिए ना अच्छा लगता है। जो सच्चाई है वही। हाँ किसको बंद कर दीजिए? मेरा ऊपर गाना लगा दिया था। अच्छा गाना लगा दिया था? छोटू अति आरती का भाभी फांसी चढ़ने वाला। ऐसा गायक था क्या कोई? सिंगर था क्या? सिंगर था। अरे बाप रे आ रहे हैं आ रहे हैं। ये चीज है भाई। यही बात आप लोग को समाज के दबाव से शादी हुआ। हाँ समाज के दबाव, वहाँ के लोगों ने दबाव दबाया। हाँ, दबाव की दिया इन लोगों के ऊपर कि तान और शादी करो आप, नहीं तो किसी की बेटी को बहन बेटी को अपने घर पे मत रखो। जवान बेटी अब जानती हो। हाँ, वही रात को सब साथ में ही रहते हैं, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाएगा, सही मन में नहीं है की करते। हाँ वही चीज है ना, इसीलिए डर करके उन्होंने समाज के शादी कर दी। जो है छोटू जो हत्या है इस तरह को नहीं होना चाहिए कोई लड़का। अरे इसीलिए तो हम लोग खबर लगा रहे हैं, इसीलिए तो खबर चला रहे ताकि ये सब चीजें ना आए। समझ रही है? आप खुद जानती हैं। नहीं आप देखिए अब लड़की सवाल करते हैं क्यों किए क्यों किए क्यों किए, नहीं होना चाहिए केस मजबूत खराब हो जाएगा। सच में खराब हो जाएगा केस। कौन आरती की है केस? अच्छी होता है। अब आपको क्या लगता है जिस तरह से अब मनु ने शादी कर लिया है आरती से, क्या अब वो लोग जीत जाएंगे केस की? नहीं क्योंकि अब तो गवाह भी उनके पास हो गया, वो भी शादी कर लिए पत्नी बना लिए। पत्नी बना लिए केस में शादी तो अब तो उनको इंसाफ भी मिल सकता है। नहीं होगा क्योंकि बचने के लिए वो बचाने के लिए अपना परिवार को सोच लिए बचाने के लिए ना, इसीलिए उससे शादी। मेरा अनुमान यही है। अच्छा बचाने के लिए उसने शादी कर लिया ताकि उसका परिवार बच जाए ना सब लोग। किसका परिवार? उन्हीं का, लड़की का परिवार, यही वजह है। तब ना भी सब परिवार खुशी मना रहे कि भले शादी हो गया। अच्छा ये लोग खुशी मना रहे हैं? क्या सब खुशी मना रहे कि अच्छा हुआ शादी, अच्छा हुआ शादी हो गया, अब ये लोग खुश है इसका मतलब। अच्छा हम तो अभी गए थे वहाँ पे, उनकी दादी कह रही है कि हम तो जो है बहुत ही खुशी है। हाँ। जो उनकी दादी है, अभी हम उनके घर पे भी गए थे तो हमसे यही बात बोल रही थी, कह रहे थे कि हम जो है बहुत खुश है। हाँ। मगर वो जो है खुशी जो है व्यतीत कर रही किस में, जो कि अब ये हो गया कि जो है नहीं खुशी है इसमें व्यतीत कर रही। मौत भी कर दिए, शादी भी मेरा बेटी कर ली है। हाँ। तो मेरा कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, यही बात है। अच्छा दीदी ये बताइए कि आपसे उनसे क्या संबंध है? उनसे क्या संबंध है? किससे? उन्हीं से जो आरती वो छोटू हैं, छोटू की आप कौन है? उनकी शक्ल थोड़ा थोड़ा। आप देखिए मेरा तो इनका ध्यान देख रहे हैं कि देखो यार वही वही चेहरा हम इसीलिए लाइट जला के देख रहे हैं। लाइट जलाओ यार थोड़ा, वही हम देख रहे हैं थोड़ा लाइट जलाओ यार। देखिए देखिए बुरा मत मानिएगा, देखिए हमारी भी आप एक तरीके से जो है चाहे बहन मान लीजिए चाहे भाभी मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, देखिए रिश्ता जो होता है हमेशा जो है एक दूसरे को सम्मान देने से मिलता है हमको। अब हम कह दें कि नहीं हम आपको जो है आप आए हैं आपके यहाँ दरवाजे पे आए हैं, अगर हम हमको आप जो है आप हमसे सही से नहीं बोलेंगी और सही से नहीं बात करेंगी तो अगर गाली भी देंगी तो हमको सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके दरवाजे आया हूँ। वही चीज
जैसे छोटू गया उसके दरवाजे मर गया अरे तो हमको भी मार देंगे हम भी मार देंगे अच्छा तो मतलब कि फंसाने के तो अनेक नियम है ना सही है अभी हम फंसा सकते हैं आपको नहीं फंसा सकते बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आप फंसा सकती हैं हमको तब क्या अब देखिए हम आपको बहन कर दी आप फंसा देंगे अरे बाप रे बाप नहीं वैसे बोले नहीं फंसा सकते हैं भैया दिल में काला है तुम फंसा सकते हैं ना अरे भैया काला तो पूरा दाला ही है तो काला तो क्या कहेंगे उसको हाँ, दाल तो काला ही है ना लाइट जला यार थोड़ा दिखने दे यार देख लो सखा लगता है अरे नहीं लाइट जलाओ अब देखिए आज बहुत दिन बाद हम लोग देखिए हम लोग जो है आज आपके दरवाजे आए हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमको आप पे गर्व है फर्स्ट बार आए हम फर्स्ट बार दूसरी बार तो ये आए दूसरी बार ये फर्स्ट में सेकंड बार ऑलरेडी में आपसे मुलाकात नहीं होगी इनसे नहीं मिले थे हो उस समय तो इतना आते थे ना चार चक्का लगा देते थे द्वार पे हम घर लगा के सो जाते पूरा जनसन भग अच्छा पहला ऐसा घटना होगा इस गांव में जब इतना भीड़ लगा हुआ मीडिया मीडिया फर्स्ट बार पहली बार ना पहली बार इतना ज्यादा इंडिया में देखिए फर्स्ट बार यही इतना घटना सही बात कर इंडिया का इंडिया में पहली बार ऐसा घटना जो पहला लव नहीं ऑलरेडी कुछ थे अच्छा, श्रद्धा और ये हमारा कहने का तात्पर्य ये था जिस तरीके से हम भी यहाँ पे देख रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि हम लोग घटनाएं तो हमेशा देखते हैं मगर ऐसी घटनाएं जो है अपने बिहार में अधिकतर ये चलता रहता है लेकिन इस तरह का नहीं ये ट्रेंडिंग मामला हो चुका है कि मतलब पहले करिए प्यार करिए उसके बाद जो है शादी करिए फेमस हो जाइए यूट्यूब पे जो है अच्छा आपका बहन आप कहाँ की रहने वाली है आप कहाँ की रहने वाली है जयनगर अच्छा जयनगर के रहने वाले शादी आपके कितने साल हो गया किए अरे मान लीजिए कि 2014 अरे बहन जो है बहन जो बता देंगी ना वो कोई नहीं बता पाएगा दुनिया का कोई ताकत नहीं बता पाएगा बच्चे आपके बच्चे कितने बच्चे वो जो रो रहे थे वही बच्चे लड़की दोनों लड़के पति क्या करते हैं खेती होती करते हैं अच्छा बहन ये बताइए जिस तरीके से जो है छोटू को जिस तरीके से मारा गया है तो उसमें क्या हकीकत था उसमें सच था ना सच मारा गया था ना आप लोग जानते हैं ये बगल में ही तो है मतलब और के बगल ही तो है बगल में देखिए जिस रोज मौत हुआ था उस रोज घर में नहीं अच्छा आप कहाँ गई थी हम ननिहाल गए थे अच्छा यही आपका बच्चा है हाँ, छोटा है तो अच्छा ननिहाल में गई थी तो आपको कैसे पता चला कि जो है छोटू को मार दिए हैं मम्मी फोन की अच्छा मम्मी फोन की है तो मम्मी फोन की तो यही बताई है कि जो है छोटू को मार दिए नहीं हाँ। वैसे कि घर चले आओ थोड़ा घटना हो गया है बांध के रखे अच्छा फिर पता चला मार दिए फिर पता चला मेरा देवर वहाँ के बाहर से कॉल किए से तो बोला कि वो मर गया घर में मार दिया सबको अच्छा जिस तरीके से आरती जो है मनु से शादी की है तो इसमें क्या राज था इसमें क्या सच्चाई थी उसमें सच्चाई यही था कि अगर हम दोनों यानी कि कुमार लड़की है घर बगल की लोग गांव का लोग ताना मारते हैं तो ताना मारेंगे देखिए जमा लड़की को कोई नहीं रख सकते हैं किसी अपना बेटी को तो इतना डर है रखने में है ना कितना डर हुआ दूसरे की वो बेटी थी इसलिए और वो जिस तरीके से बोली भी थी आरती की जो है अगर छोटू जिस तरीके से मर गया मैं छोटू की विधवा बन के मैं रहूंगी तो ये बात तो जो है मुकर गई आरती नहीं आरती बोली थी, थी, थी लेकिन भविष्य का इसमें देखिए भविष्य लगाया है ना भविष्य में जो हो सकता है बोला है ना भविष्य में जो होगा वो हम नहीं जानते भविष्य का कोई पता नहीं और लोग ये कह रहे हैं कि आरती जो है शादी की है केवल अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना जो है चैनल जो खोलिए फेमस होने के लिए और लोग ये चर्चा कर रहे हैं चैनल कौन सा चैनल चलता है अरे दो चैनल बनाई है दो चैनल बनाए तो क्या हो गया उसमें कितना पैसा आता होगा आप लोग को कितना आता है उन लोगों के भाई हम लोग चैनल की तरफ से काम करते हैं अब रही बात ये कि अब जिस तरीके से आरती जो है चैनल अपना बनाई है अब शादी की है तो इसमें कुछ तो दाल में काला है जरूर देखिए उत्तर हरियाणा हम नहीं जाते हैं उसके यहाँ अच्छा शादी पे आपको जाना चाहिए आपकी रिलेशन की है बोलेंगे तब ना जाएंगे अच्छा आपको नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाए कोई बाप रे अच्छा ये बताइए दीदी कि जिस तरीके से जो है शादी की फोन है तो किया कैसे कि मम्मी को भेज दीजिएगा हम बोले क्यों वैसे काम है
मतलब ये नहीं बताया कि शादी हो रही है नहीं। ये देखिए मतलब कि अपनों को नहीं पूछ रहे हैं चुपके चुपके सब वगैरह। हम तो हम जैसे कि हम इसका बेटी हो कि मेरा बेटी हो हम डायरेक्ट मुंह पर उसको बोले कि बेटी इस तरह का नहीं करना चाहिए इसीलिए हमसे दुश्मनी हो गया। ये बताइए तो इसीलिए दुश्मनी आप विरोध कर आप आरती से हम तो विरोध किए। अच्छा कब आरती से दुश्मनी हुआ था बहुत पहले से ही वो तो कभी नहीं बात की। अच्छा आरती ने कभी नहीं बात की रहती थी तो आरती कभी आपसे बात ही नहीं की कभी नहीं काहे नहीं बात करती थी कभी नहीं घमंडी लड़की थी घमंडी थी और मुंडी टाइप की थी और किसी से बात नहीं करती थी आरती जो है घमंडी थी लेकिन गांव का लोग जो है ना जिसके जो जाते थे तो ऐसे चलती थी सर झुका मतलब देखा देखती नहीं मतलब लोग पसंद नहीं थे पसंद नहीं थे हम बहुत शरीफ लड़की हैं झुक के चलते। तो अच्छा ये बताइए जिस तरीके शरीफ थी तो जो है छोटू को अगर ये कांड हुआ है तो अब ये बताइए कि पूरा संसार उनकी दादी तो बोलती है छोटी मतलब उनकी आरती की दादी बोलती है कि ये लोग मतलब निर्वस्त्र थे बाथरूम में पकड़े गए थे झूठ है। अच्छा आरती की दादी भी झूठ बोल रही है इसका मतलब झूठ बोल बहुत झूठ बोल ये सब नहीं। अच्छा जिस तरीके से जो है आरती के पिताजी और भाई ये सब जेल में गए हैं तो ये शादी करके कहीं ना कहीं गेम तो नहीं खेल रहे हैं ये सब ये तो हो सकता है कि भाई लोग कहते हैं कि जो है शादी की है कुछ तो दाल में काला जरूर है ऐसी बात नहीं ऐसे तो अभी तक शादी तो नहीं कर ली है तुरंत हम नहीं जाते उसके यहाँ जवाब से लेकिन समाज के दबाव अच्छा ये जानते हैं कि समाज के दबाव से शादी हुआ। अच्छा बहन ये बताइए जिस तरीके से आप भी बगल की थी आपसे नहीं बोलती थी जब मतलब यही गांव क्षेत्र की बहन बेटी से नहीं बोलती है हम जो है गांव की बहू है यहाँ की बहू है तो गांव का बहू वो तो ये है अपना ससुर का बहू है या परिवार है हम कहीं नहीं जाते हम रोड से उधर भी नहीं जाते हैं अभी मेरा तो ऐसा क्यों क्योंकि हम नहीं जाते मेरा हमको दस बारह साल आपके साथ 10-12 साल शादी हो गई हमको नहीं जाते? टेंशन है कौन सी इसका टेंशन हम जाएंगे किसी के यहाँ अच्छा, खेती किसानी नहीं करने जाती है जाते हैं तो मम्मी सब जाते हैं जन सब से करवाते हैं तो हम नहीं जाते सिर्फ खाना बनाते हैं घर में खाते रहते हैं कोई मतलब नहीं किसी से। अच्छा ऐसे ये बताइए आरती जिस तरीके से शादी की है तो आप लोग जो है आप लोग को इनवाइट नहीं किए हैं वहाँ पे तो आप कैसे मतलब क्या आपको जो है खुशी हुई हम लोग को इनवाइट क्यों करेंगे अपना मामा मामा मामी को की तो मामा मामी तो नहीं थे यहाँ गए थे शादी में कोई नहीं गया वही बात है दीदी देखिए नहीं वहाँ पर तो बताया थे खाने पीने का भी व्यवस्था कराए 500 लोगों को व्यवस्था बता रहे थे 500 लोगों की किया कि हम नहीं गए हम नहीं जानते हैं नहीं बहन नहीं जानती है बहन झूठ नहीं बोलती है सही बोलती नहीं हम नहीं गए देखे हैं कभी फोटो वोटो पर नहीं नहीं वो तो नहीं देखे हम नहीं जाते हैं आज हम लोग गए थे तो आरती ही बोल रही है कि जिस तरीके से जो हमारे साथ हुआ है हमको खुशी भी है गम भी है तो हमने कहा खुशी भी है गम भी है हमने कहा कि गम क्या है और खुशी क्या है कहा कि गम ये है कि छोटू जो है हमारे छोटू को मार दिए हैं गम ये है और खुशी ये है कि जो है हमारी मनु से शादी हो गई ये है कि सहारा मिल गया हमने कहा ठीक है अगर गांव के लोग ताना मारते थे तो आपकी शादी हुई तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हम लोग विरोध भी नहीं कर रहे हैं तो कोई गांव वाला कर रहा है हम लोगों से क्या मतलब है हम लोग आए हैं आज आप लोग यही मीडिया कर्मी इसके अनुसार से हम जो बोल रहे हैं वही बोलिएगा कि आरती तो तुम्हारी थी हाँ ये तो है देखिए आप सही देखिए आप सोच आपकी अच्छी है इनका सोच अच्छा है भाई देखो उसका जो चीज बोलने वाली चीज है जब उसका सपोर्ट भी कर रही है ये और जो चीज गलत थी उसका उसके बारे में बता रही इनसे नहीं बोली ये बताइए आरती जो है इनको नहीं पहचान रही ना तो बोल रही ना फोन की कभी ना तो गांव में रह के यही नहीं बोल पहचान रही है कि हमारी है कौन अपने रिश्तों को नहीं पहचान रही है तो यार अब शादी हो जाने के बाद इतना शादी हो गया अब तो पहचान भी नहीं करेगी अब तो और नहीं पहचान घमन रहेगा क्या होगा तो क्या हम उसके यहाँ जा भी नहीं सकते नहीं जाते अच्छा दादी लोगों का उसके क्या हाल है कह रहे दादी मरने वाली है भाग दादी तो काम करती है खेत में अरे सब बोलती अभी, है। अभी यही तो बोली है कहीं कि दादी जो है हमारी तबीयत बहुत खराब है मरने वाली है मरने वाली है दादी मीडिया वाले मीडिया वाले से बता रहे काट के उदो ठो भाई मीडिया वालों से बात की है दादी की अब मैं मर जाऊंगी उस दिन से मरते मरते वो मतलब वो टीआरपी वाले बढ़ाने के लिए दादी ऐसा कर रही है पब्लिक फेमस होने के लिए दादी मतलब बुढ़ाई दाव में जो है 90 साल की उम्र में जो है फेमस होना चाहती है 90 साल की होगी उम्र ना हाँ 90-95 है भैया हम 100 साल उसका भाई आरती का छोटा वाला भाई कहाँ रहता है इतना काम करते हैं आरती का छोटा वाला भाई कहाँ रहता है
घर में रहते हैं। अरे यार अभी हम गए थे तो चारा गाय भैंस को चारा डाल रही थी, तो उसके बाद हम गए तो उसके बाद जो है बैठ गई, कहा हाँ सांस चलने लगी। अरे हम कहा अरे बाप रे, हम कहा दादी दवा वाले पैसा दे देते जाते हैं, पैसा देते हैं ना, देख लो मीडिया वाले पैसा देते हैं, दादी तो इसीलिए कमाते हैं, मीडिया वाले कमाते हैं, पैसा देते हैं, कितना कितना मीडिया वाले देते हैं पैसे, 5,000 अरे नहीं यार, दादी जो है ड्रामा मचा लेती है ना, सांस फूलने लगती है, उसके बाद जो है अनेक प्रकार की ड्रामा, खाना बनाती है अच्छा से, घास काटती है, खाना बना लेती है, मकई रोपती है, सब धान बपाए चावल बनाए। अरे तो मीडिया वाले तो कुछ को बताती है, तबीयत मेरी सही नहीं, मर जाऊंगी, बोलती है कि पैसा कुछ मिल जाए, मतलब पैसा देते हैं, बिस्किट देते हैं, भुजिया, अरे हम भी लेकर आए हैं अभी इसीलिए, अरे भैया आप तो जान लिए कि हम नहीं देंगे, हम लोग खुद ही खा लेंगे, नहीं, नहीं। अरे ये तो मतलब बुढ़िया जो है चूतिया बना रही है, हम लोग बुढ़िया बना रही है, हम गए तो जो है चारा डाल रही थी, मर जाएंगे अब, जब देखे कि भैया जो है अब जो है चारा वारा डाल के आ रही थी, उसके बैठ के बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा, अच्छा काय का कारोबार, जमीन जगह है कि नहीं, अच्छा अच्छा खेती बाड़ी, गोटू को मारने का हड्डियंत्र उन लोगों को के पास में यही था ना, हमारे पास संपत्ति है, छोटू पास में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, अच्छा मार देंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कानून को अपने हाथ में, देखते हैं बहुत बढ़िया काम कर रही है इतनी समय ट्रेंडिंग पे, और उसके बाद जब हम लोग गए तो उसके बाद सांस फूलने लगी, कर मर जाएंगे, सांस फूल रहे मिल जाएगा पैसा, हम गाय खाना कैसे बनाती है, तो कही कि खाना जो है अभी चलिए ठीक है, औड़ा बड़ा बना के खा लेते हैं, हमने कहा ही कैसे, हमने कहा बुढ़ाई दाँव 100 साल के पार हो गई है, मतलब खाना बना लेते हैं, बहुत बहुत बढ़िया बना लेते हैं, 100 साल तो नहीं हुआ है, हुआ है यार सुशील, नहीं 100 साल तो नहीं है।